Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, praise the Lord. This is Angel. आपके साथ एक छोटा सा वचन मैं बांटना चाहूँगा, एक प्रोफेटिक वर्ड जो कि खुदा का रूह मेरे अंदर डाल रहा है, मुझे उभार रहा है कि उस कलाम को, उस वचन को मैं आपके साथ बांटूं. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस वर्ड इज़ अबाउट डिवाइन प्रोविजन. बाइबल कहती है यशा 60 में कि तुम राजाओं की छातियों को चूसोगे, रॉयल ब्रेस्ट में से आप फीड करोगे. और वहीं 66 में लिखा है, यशा 66 में, कि तुम शांति रूपी स्तनों से पियोगे, उनमें से तुम अपने प्रोविजन को लोगे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो आपको पता है उससे पहले कि वो बच्चा डिलीवर्ड हो, आपको पता है माँ के अंदर दूध बनना शुरू हो जाता है, माँ के ब्रेस्ट में से दूध टपकना शुरू हो जाता है. कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वो बच्चा आए, उस बच्चे का खाना, उस बच्चे का प्रोविजन, उस बच्चे का क्या आ गया है, उसका भोजन परमेश्वर ने प्रोवाइड करवा दिया है. इससे पहले वो आए दुनिया में, उससे पहले उसका प्रोविजन आ चुका है, उससे पहले उसका खाना हो चुका है. यहोवा यीरे ने उससे पहले उसका इंतजाम दे दिया है. और आपको पता है अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा घर पे और माँ कहीं बाहर है, और अगर बच्चा भूखा है, गौर से सुनिए, और वो भूख में तड़प रहा है या रो रहा है और माँ उसके आसपास नहीं है, और बच्चा इस वक्त भूख के मारे रो रहा है, तो आपको पता है क्या होता है उस वक्त. बच्चा जब पैदा हो चुका है, माँ सोचिए बाज़ार में या कहीं है और बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है भूख के मारे, माँ के ब्रेस्ट में उस वक्त पता है एक अजीब बेचैनी हो जाती है और उसका दूध टपकना शुरू हो जाता है, अपने आप उसका दूध बहकर गिरने लगता है. क्यों गिरने लगता है? उसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है एंड आई हैव टू बी देयर, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, उसे फीड करवाने की ज़रूरत है. उसकी चीख वहाँ पर, वो चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, और यहाँ पर उसकी माँ के जो ब्रेस्ट हैं वो क्या होने लगते हैं, उसमें से दूध निकलने लगता है. यही तो बाइबल कहती है यशायाह 66 में, यशायाह 60 में, कि तुम राजाओं की छातियों को, बादशाहों की, रॉयल ब्रेस्ट को क्या करोगे, चूसोगे, तुम शांति रूपी स्थलों में से चूसोगे, उसमें से पियोगे. आप भी आज ऐसे रो रहे होंगे, आप भी ऐसे आज अपने प्रोविजन और अपनी बहुत सारी, हो सकता है बहुत आपकी बहुत बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें और वो भी आप देख रहे होंगे कि पूरी नहीं हो रही होंगी. आप रो रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, बट देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. मैं आपको बोलूँगा कि परमेश्वर आपको ऑर्डिनरी ब्रेस्ट नहीं, रॉयल ब्रेस्ट में से पिलाने जा रहे हैं. परमेश्वर आपके इंतज़ाम को आपको देने जा रहे हैं. आपने शायद इतना सोचा होगा, परमेश्वर आपको इतना देने जा रहे हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं से वो इंतज़ाम आपके लिए करने जा रहे हैं, आपको देने जा रहे हैं. आपका इंतज़ाम आ रहा है, वो चाहे आपकी कोई कॉलेज की फ़ीस हो, आपको अपनी भरनी है, अपने बच्चों की भरनी है, आपको किसी की शादी करनी है, आपको घर बनाना है, आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, लोन लेने के लिए मत सोचिए, खुदावंत इंतज़ाम कर सकता है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको ब्याज पर, आपको इंटरेस्ट में पैसे लेने हैं, आप मत लीजिए. आप अपना इस वक्त इस वचन को, बस कलाम को, इस वचन को विश्वास से रिसीव कीजिए. ये वचन आज आपके लिए है, आप ग्रहण कीजिए. परमेश्वर उन ब्रेस्ट को लेकर आ रहा है आपके पास, जिसको आप चूज़ कर अपने प्रोविजन को लेकर आ रहे हैं. आप मिनिस्टर हो सकते हैं, खुदावंद के खादिम हो सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपकी कोई इंतज़ाम नहीं आ रहा. परमेश्वर आपको एक, क्या कह सकते हैं उसे, एक परमानेंट आपको परमेश्वर इंतज़ाम, एक प्रोविजन देने जा रहे हैं. इस कलाम को रिसीव कीजिए, इस कलाम को रिसीव कीजिए. परमेश्वर उन ब्रेस्ट को आप तक लेकर जा रहे हैं जिनको आप चूसने जा रहे हैं, और अपने प्रोविजन को आप रिसीव करने जा रहे हैं. परमेश्वर आपको आपका इंतज़ाम, आपको आपकी जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी नीड है आज के दिन में आपकी, है ना, या आज आपके सामने जो भी चैलेंज है जिसको आपको ओवरकम करना, परमेश्वर उसके लिए जो भी आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए वो परमेश्वर सुपर नेचुरली प्रोवाइड करवाने आ रहे हैं. परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं आपके पास, परमेश्वर ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे पावरफुल लोगों को लेकर आ रहे हैं. मैं लोगों पे नज़र लगाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर पे लगाइए, इस कलाम पे लगाइए, तो अपने आप लोग आएंगे. लोगों पे लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा. तो परमेश्वर उन्हें लेकर आ रहे हैं जो अपने आप आपको फेवर देने जा रहे हैं, और आप उन ब्रेस्ट को चूसने जा रहे हैं, उनको फीड करने जा रहे हैं, और आपकी ज़रूरतें पूरी होने आ रही हैं. मैं आपके लिए एक प्रार्थना करने आ रहा हूँ, इस प्रार्थना में मेरे साथ शरीक हों. हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशुआ के नाम से मैं मांग लेता हूँ, मैं मांग लेता हूँ, मैं मांग लेता हूँ, मैं मांग लेता हूँ, मैं मांग लेता हूँ पिता परमेश्वर अपने लोगों को इस वक्त, वो अपनी ज़रूरतों में है, कमी में है, घटी में, आवश्यकता में है, उन्हें पाए अब्बा पिता इस वक्त आपका इस कलाम इनकी ज़िंदगी में यीशु के नाम में हाँ और आमीन में पूरा हो। और यीशु आपके नाम से इनका इंतज़ाम, इनका प्रोविजन इन तक पहुँचे यीशु के नाम से सुपरनेचुरली खुदावंद खुदा, जिससे सारा जलाल यीशु के नाम में आपको मिले। यीशुआ के नाम से पिता परमेश्वर उन ब्रेस्ट को मैं रिलीज़ करता हूँ इनके लिए, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के साथ एक मन होकर वो ब्रेस्ट इन तक पहुँचे, जिससे ये फीड करें और जिनसे प्रभु इनका पालन पोषण हो, जिससे ये हले फूले और खुदा उनकी कमज़ोरियाँ ताकत में बदल जाएँ, इनकी निर्बलताएँ सामर्थ में बदल दी जाएँ और खुदावंद खुदा ये वाकई में तगड़े हो जाएँ, चंगे हो जाएँ, आज़ाद हो जाएँ और यीशु आपके सच्चे गवाह हो जाएँ। ये कलाम इनकी ज़िंदगी में हौर आमीन में पूरा हो। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, मैं शुक्र करता हूँ, आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से खुदा उनके लिए रिलीज़ कर रहे हैं प्रोविज़न को, इनके लिए रिलीज़ कर रहे हैं इंतज़ाम को, इनके लिए रिलीज़ कर रहे हैं खुदावंद खुदा हर एक अच्छी बात को, हर एक उत्तम आशीष, अच्छी बरकत को, उसे हम यीशु के नाम से ईमान के साथ कबूल करते हैं, कबूल करते हैं, कबूल करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा उन सबको बरकत दे। आमीन।